यह जो BSSC में पूछा गया सवाल है, और आपका पता है कि 8, 9, 10 हिंदी BSSC का एग्जाम है, इसलिए ये सब जो सवाल है एक बार रिवाइज के तौर पे आप लोग कर लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए ये पहला सवाल रेशियो से है, 58 नंबर सवाल है, ये 2005 का है ना। तो आपको जैसे देख दिया गया है कि ए रेशियो बी आपका दिया गया 2:3, फिर आपका दिया गया B:3 दिया गया आपका 5:7, ठीक है। तो आपको निकालना है A:B:C। तो देखिए ए और बी दिया गया, ए का मान 2, बी का मान 3, फिर देखिए बी का मान 5, सी का मान 7, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 7 × 3 = 21। यह हो गया आपका A:B:C, मतलब बी नंबर सवाल आपका हो गया। इस तरह से आपका एक सवाल का सेकंड नंबर सवाल देखिए, सवाल आपका है ना सेकंडों में सॉल्व होगा, 20 सेकंड 30 सेकंड काफी है। देखिए आपको ए और बी निकालने के लिए दे रहा है, अब देखिए इस तरह कर लीजिए आप ए बी, अगर आप करते हैं बी सी, अगर करते हैं आप सी डी, तो देख रहे हैं ना बी बी कट जाता है, सी डी कट जाता है, बचता है क्या है ए डी। इसी प्रकार आप देखिएगा ए बी का मान कितना है, ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, फिर बी का मान कितना है 5 है और 9 है, 16 है और 15 है, कटा दीजिए 4 × 16 = 9 × 5 = 15, तो 4 × 4 हो गया और 3 × 9 हो गया, सी नंबर हो गया। अगर आप इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा। देखिए इसमें साधारण ब्याज का चर्चा आपका, अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहता तो दे देता चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें बोल रहा है कि 2100 रुपया मूलधन है आपका, तो SI का फॉर्मूला लगा दीजिए, मूलधन 2100, SI का फॉर्मूला आपको पता होगा, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 होता है, तो हमारा मूलधन कितना है 2100 रुपया। टाइम कितने वर्ष के लिए दिया गया है, मतलब 7/2 3.5 बरस, इसको लिख सकते हैं आप जैसे 3×6=7, 7/2 लिख सकते हैं टाइम को, तो 7/2। और रेट कितना है आपका 10% देते हैं 100, कटा दीजिए 2×5=10 हो गया, 21×5 = 105 × 7 कर दीजिए कितना हो जाएगा आपका 7×5=35 और 7 हो गया। निजधन निकालना है, मतलब ए निकालना है, ए निजधन कहते हैं, ए बराबर होता है आपका पी प्लस SI, तो आपका पी कितना है 2100, SI 735, तो जोड़ दीजिए 5 × 3 = 3 = 7 × 8 = 28 = 35, डी नंबर आपका आंसर हो गया। चौथा सवाल है, देखिए बहुत सेकंड का बनना है, ध्यान दीजिएगा गौर से देखिएगा सब समझ में आएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जैसे लंबे प्रोसेस में आप जाते हैं, देखिए सब प्रोसेस बोलता है 5%, 5% का मतलब जानते हैं 5 × 1 से मान लेते 20, तो 20 वाला कहानी है। तो अगर 20 रुपया जमा करेंगे हमको क्या मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, 20 × 21, तो वही बोल रहा है कि किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5% की दर से 164 रुपया हो जाएगा, मतलब कि मानिए पी हो जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया मूलधन जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं निश्चित। कै ब्रश टाइम, 2 ब्रश का टाइम है, 20 रुपया मतलब 20 रुपया जमा करेंगे कितना मिलेगा 21 टका मिलेगा, 20 + 1 = 21 रुपया, मतलब 20 रुपया जमा किए 21 मिला, फिर दूसरे वर्ष में 20 रुपया जमा किए 21 मिला, दोनों को गुना कीजिए 421 × 21 = 441, तो सूद हमको कितना मिला सी आई, दोनों को घटा दीजिए तो 41 रुपया, 41 रुपया का मतलब 41 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 41 यूनिट का मतलब क्या होगा, 41 यूनिट का मतलब 164 रुपया, 41 यूनिट का मतलब 164 रुपया, आर्मी पर कोई भी मूलधन जमा कीजिएगा 100 जमा कीजिएगा, तो देखिए एक का मतलब हो जाएगा आपका 164/41, आपका निकालना क्या है धन, मतलब धन कितना है 400, इसको 400 से आप गुणा कर दीजिए, धन निकालना है तो आपका 4 बार में कट जाएगा 4×4=1600 रुपया हो गया आपका हिसाब, यह हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए फिर से उधर देख लीजिए 5% का मतलब होता है 1/20, तो 1 रुपया सूद हुआ
ये हो गया मूलधन, तो मूलधन मेरा क्या हो गया, मूलधन 20 प्लस 1 21, वही बोल रहे हैं कि 20 रुपया जमा किए हैं, किसी का मिला पहला वर्ष, दूसरा वर्ष भी 20 रुपया जमा किए तो 21 रुपया मिला, तो दोनों को गुणा किया 400 रुपया हुआ मेरा मूलधन, और 21 गुणा 441 मूलधन हो गया, तो मतलब 41% हमको 41 यूनिट यूनिट 41 यूनिट का मतलब कितना रुपया, 164 रुपया हमको सूद मिल रहा है, एक यूनिट का मतलब इतना ना इतना, तो हम कितना से गुना करेंगे, कितना मिला मूलधन 400 यूनिट, 400 से गुना किया 1600 रुपया, अगर मूलधन कुछ था तो आप इसको 441 से गुना करते, तो मूलधन जैसा कुछ होता है मूलधन बता दें, मूलधन बता दें तो आपका हो जाता कितना 164 बाय 41 गुना 441, आप इसको कटा देते फिर चार बार, चार चार सौ सोलह छः चार सौ सोलह 17, ये आपका मूलधन हो जाता। इस टाइप का सवाल को इसी टाइम में बनाइएगा, ज़्यादा कम टाइम लगता है इसलिए। देखिए बोल रहा है किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी अक्सर आ जाता है, ये सवाल उसका डिफरेंस बराबर फार्मूला होता है डी आर होता है 102 वर्ष है, 2 वर्ष के लिए अक्सर यूज होता है ये फार्मूला, यही फार्मूला यूज ही होता है 2 वर्ष के लिए, 50 दे दिए टी पता नहीं है, आर तो पता है 5%, 5 होता 100 फिर 5 होता 100 कटा दीजिए 10 बार में, 5 × 10 क्रॉस गुना कर दीजिए, आपका पी बराबर हो जाएगा 2 पे 2 2 4 0, ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर आप चाहिएगा तो साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज आप उस पर भी बैठा सकते हैं, तीन वाला पे भी देखिए इस टाइप से भी होता है ये फॉर्मूला, इस पे कैसे होगा तो देखिए कितना रेट है 5%, 5% का मतलब 1/20 होता है, 5% का मतलब 1/20 होता है, तो जब हम 1/20 देते हैं यहाँ पे, तो जब हम अति से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे जब हम इसको निकालेंगे तो कितने वर्ष के लिए है, देखिए इसको दूसरा तरह से बोल रहे थे बनाने के लिए, जैसे कि 5%, इसका मतलब 1/20 कै बरस के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो इस पे यूनिट स्क्वायर दे दीजिए आप कितना लीजिए 400 यूनिट, कितना हो गया 400 यूनिट, मान के चलिए हम पूंजी लगाए ठीक है, उसमें हमको 1/20 मिल रहा है, कटाइएगा कैसे 400 को 1/20 से कटाइएगा 20 हो जाएगा, 20 रुपया मिला सूद, इधर भी 20 रुपया, जब पहला बार मिलता तो वह साधारण ब्याज कहलाता है, जब इस पे भी आप 1/20 लीजिएगा तब 20 को 1/20 से कटाइएगा, एक होगा यहाँ पे, ये दोनों को जो लिएगा तो वो साधारण ब्याज होता जाता है, तो ऐसा ही कितना हो गया हमारा साधारण 40, और जब सी आई निकालना हो चक्रवृद्धि ब्याज लेना हो तो 20 20 40 1 41 हो जाता है, दोनों का अंतर कितना हो गया, एक एक का मतलब क्या रुपया हो गया सूद 50 रुपया, तो वो कितना यूनिट चाहिए 400 यूनिट, तो 50 गुना 400, 5 20